लैप्स तो था ना? यकीनन सिक्योरिटी लैप्स था, और ये तो जो हाई अप्स हैं पेशावर में जो पुलिस के पी के है वो खुद मान रहे हैं कि हाँ सिक्योरिटी लैप्स था। अब तो तहकीकात हो रही है, ये जो पर्टिकुलर तस्वीर है इवन अगर वो पुलिस की वर्दी में भी था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, हमें यहाँ से देख के लग रहा है कि ये कोई मशकूक है जिसने चेहरा छुपाया हुआ है और ऊपर सारा कुछ ढांपा हुआ है। तो जो वहां पर खड़े थे सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, किसी गेट से किसी दरवाजे से अंदर ये गया होगा, तो उन्होंने क्या ये सारा चेक किया? यही वो बात है जिसको कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। प्लस लाइंस के अंदर जब आपने वो सीसीपी ऑफिस बना दिया, एसपी ऑफिस बना दिया, उसको एक पब्लिक जो रिलेशंस होता है या जो पब्लिक एक्टिविटीज होती है उसका सेंटर बना दिया, लाइंस तो किसी और पर्पस के लिए या ब्रिटिश इरा से बनाई गई थी, तो फिर जब इतना आना जाना होगा। और तीसरी चीज ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है और फिर जामिया मस्जिद होती है जहाँ जुमा पढ़ा जाता है, वहाँ बाहर के और लोग भी आते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम ये कहें कि मस्जिद में लोग क्यों आए थे, हम ये क्यों नहीं कहते कि आप मुकम्मल सिक्योरिटी रखते? और फिर मोस्टली जो फरदाना आपके साथ हैं वो भी बताएंगी, मोस्टली जो बड़े बड़े ब्लास्ट हुए थे वो जुमे के दिन होते रहे। माजी में जब धमाके ज्यादा हुआ करते थे तो मोस्टली वो जुमे के दिन हुआ करते थे, क्योंकि नमाज जुमा में ज्यादा रश होता है कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। तो ये इनको अलर्ट होना चाहिए था। और खास तौर पर अभी जब रिसर्जेंस हुई है केपी में स्पेशली इन धमाकों की, जहाँ पर बराह रास्त लॉ इन्फोर्समेंट को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, पाक फौज को वो निशाने पे उन्होंने रखा हुआ है, तो इस पॉइंट को या इस जगह को या ऐसी जगहों को ज्यादा जो है वो विजिलेंस होनी चाहिए थी। लेकिन सिक्योरिटी लैप्स हुआ और इतनी बड़ी तादाद में मासूम लोग अपनी जान से गए। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रहेगा शौकत पिराचा। फरजाना।